R15 V3 का रिव्यू। तो मैं इसे पिछले एक डेढ़ घंटे से चला रहा हूँ, 15-20 किलोमीटर क्लॉक कर लिए। मैं इसकी BS6 की पावर से काफ़ी शौक डूबा था, क्योंकि ये मुझे फिफ्थ गियर पे 138 पे जाके लिए मीटर हिट दी है, और भाई की माइलेज भी काफ़ी अच्छी लग रही है, 44-45। और ये भाई अभी थोड़े से मॉडिफिकेशन करवा के लाया है, ये KTM के इंडिकेटर्स और ये फ्लैश माउंट इंडिकेटर्स हैं, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी वैसे, अगर आप देख सकते हो ना तो सही से। तो गाड़ी की बात कर लेते हैं, फेयरिंग है, राइडिंग इसकी सीट थोड़ी सी अग्रेसिव है बाकी सारी इसकी कंपैरिजन से, जो इसकी RS है, जिक्सर है, राइवल है, बट हाँ इसकी जो एक कहते हैं कि राइडिंग क्वालिटी, वो मुझे ज़्यादा इम्प्रूव लगी अपने से, MT से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर मैं जो हैंडलिंग को एक्सपीरियंस कर पा रहा था वो मैं अपनी MT में नहीं कर पाता हूँ। बात करें पावर की तो दोनों गाड़ियों में पावर सेम है, BS6 कंप्लाइंट इंजन है, 18.6 PS की इसमें पावर है, 13.9 मीटर का टॉर्क है, दोनों सेम है। इसके मिरर्स बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रूव कर रहे हैं हमें, प्रोवाइड करते हैं, और गाड़ी दिखने में तो आपको पता ही है कि इसका कोई जवाब नहीं है, V3 इज़ V3। टॉप भी हमने अभी ट्राई किया था, 145-146 गई थी, बट एक्सीडेंटली मेरा कैमरा ऑफ था, और दो इसमें दोनों डुअल ABS आते हैं, और इसकी सीट हाइट ठीक है, ज़्यादा लो नहीं है, MT की से तो छोटी है इसकी हाइट, पर काफ़ी है, और बैक सीट काफ़ी हद तक कुशन्ड है MT से, MT बिल्कुल पटरा है पीछे से। अगर आप मेरी इतनी हाइट है 6 के करीब वाले हैं तो आपको ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग सकती है, बट इट्स मैटर ऑफ चॉइस, आपको कौन से पसंद है बाइक और आपका क्या राइडिंग स्टाइल है। अगर आप राइड करते हैं सिर्फ हाईवेज पे या संडे राइड या इवेंचुअली निकालते हैं ओकेजनली, तो आपके लिए गाड़ी से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि इसका माइलेज इतना अच्छा है कि आप इसे कुछ नहीं कर सकते, बट आप मैं इतना है डेली कम्यूट वाले हैं और आपको पिकअप चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप MT पे चाहिएगा, क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल है इन सिटी राइड्स। इसमें आपको थोड़ी देर बाद एग्जॉस्ट हो सकते हैं आप, इसके लुक्स में 10/10 है ये, इसमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी आपसे बात करेंगे, गाड़ी पे चल चलते। छोड़ छोड़ हाँ छोड़ छोड़।